प्रधानमंत्री पर राहुल का जोरदार हमला, कहा मैं देश को नरेंद्र मोदी से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। एनडीए मार्च से पहले संसद परिसर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सदन में प्रधानमंत्री के नहीं आने को लेकर जताई नाराजगी। बिहार के समस्तीपुर में राधामोहन सिंह के कार्यक्रम में हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश लालू के समर्थकों की भिड़ंत। हाईटेक हुई समाजवादी पार्टी, लखनऊ में सीएम अखिलेश ने लॉन्च की पार्टी की मोबाइल एप्लीकेशन। तमिलनाडु में जारी है शराब पर पाबंदी की मांग, भूख हड़ताल पर बैठे डीएमडीके नेता विजयकांत। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ राहुल गांधी का नोट, संसद में भाषण के लिए तैयार किया था। कश्मीर को लेकर अमित शाह का नेहरू पर हमला, कहा अगर सरदार पटेल कश्मीर मुद्दे को हैंडल करते तो इतिहास कुछ और होता। अरुण जेटली पर राहुल गांधी का पलटवार, बोले एक्सपर्ट वही होता है जिसके पास नॉलेज होता है। जेटली ने कल संसद में राहुल को बताया था बिना नॉलेज का एक्सपर्ट। नीतीश और लालू ने किया सीटों का बंटवारा, 100 सीटों पर लड़ेगी जेडीयू, 100 पर आरजेडी, कांग्रेस को मिलेंगी 40 सीटें। छात्र नेता की हत्या को लेकर पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री का संवेदनशील बयान, पूछा इसमें हैरानी वाली कौन सी बात। पश्चिम बंगाल के शिक्षा मंत्री के घर के बाहर एनएसयूआई छात्रों का हंगामा, रायगंज यूनिवर्सिटी में बवाल को लेकर मांगा इस्तीफा। यूपी की बस्ती में भीड़ जुटाने के लिए समाजवादी पार्टी ने ली बच्चों की मदद, साइकिल पर सवार करके गांव गांव घुमाया। लालू यादव को लेकर बीजेपी का नया दांव, आरजेडी सुप्रीमो की जमानत रद्द करने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी पार्टी। बिहार के बिहटा में परिवर्तन यात्रा के दौरान हंगामा, रथ को हरी झंडी दिखाते ही विरोध में उतरे किसान, बीजेपी कार्यकर्ताओं से झड़प। बिहार के समस्तीपुर में नितिन गडकरी ने परिवर्तन रथ को दिखाई हरी झंडी, मिथिलांचल और कोसी के विधानसभा क्षेत्रों में होगा प्रचार। बिहार के सारण में राजनाथ सिंह ने परिवर्तन रथ को दिखाई हरी झंडी, गांव गांव में होगा पार्टी का प्रचार। संसद परिसर में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का विरोध प्रदर्शन, पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल का मुद्दा उठाया। महाराष्ट्र में 15 मंत्रियों ने दफ्तर की सजावट पर खर्च किए 2 करोड़ रुपए, आरटीआई की मदद से हुआ खुलासा। थम नहीं रही आम आदमी पार्टी की मुसीबत, घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार हुआ कोंडली के विधायक मनोज कुमार का पीए। लुईस बर्जर केस में गोवा के पूर्व सीएम पर शिकंजा, क्राइम ब्रांच ने की पूछताछ। बैंगलोर की पूर्व मेयर शांता कुमारी के खिलाफ लोकायुक्त ने दाखिल की चार्जशीट, आय से अधिक संपत्ति का मामला। जम्मू कश्मीर के शोपियां में ग्रेनेड धमाका, 8 लोग धमाके में जख्मी, मस्जिद के पास हुआ ब्लास्ट। 15 अगस्त के मद्देनजर पाकिस्तान सीमा पर अलर्ट जारी, बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं दहशतगर्द। 15 अगस्त के मद्देनजर अलर्ट पर है सेना, जम्मू कश्मीर के राजौरी में चलाया सर्च ऑपरेशन। 15 अगस्त को सीमा पर भी दिखेगा दीनानगर आतंकी हमले का असर, बीएसएफ की तरफ से नहीं बांटी जाएगी मिठाई। जम्मू कश्मीर स्वाजियान सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन, सीमा पार से हुई फायरिंग। उधमपुर हमले के बाद पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नावेद पर कसा एनआईए का शिकंजा, स्पेशल विमान से लाया जा रहा है दिल्ली। उधमपुर हमले के आरोपी आतंकी को पकड़ने वाले राकेश और विक्रम का सम्मान, एमएस बिट्टा ने दिया था न्योता। जम्मू के किश्तवाड़ में बुर्का पहने संदिग्ध गिरफ्तार, आतंकी होने के शक में पुलिस कर रही है पूछताछ। पंजाब सीमा से भारत में दाखिल नहीं हुए थे दीनानगर हमले के आतंकवादी, बीएसएफ के आईजी ने किया खुलासा। राधे मां ने मुंबई के सेशन कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत की अर्जी, दहेज उत्पीड़न मामले में दर्ज है केस। राधे मां के समर्थन में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोरदार ड्रामा, आपस में भिड़ गए 2 समर्थक। बॉम्बे हाईकोर्ट से नेस्ले को राहत, शर्तों के साथ मैगी से हटा बैन, 3 लैब में टेस्ट के बाद होगा अंतिम फैसला। मुंबई में स्थानीय गुंडों के खिलाफ आवाज उठाने पर हमला, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। यूपी के बांदा में घर की दीवार ढहने से 9 लोगों की मौत, 2 घायल, बिजली जाने की वजह से घर के बाहर बैठे थे लोग। गाजियाबाद में स्थानीय बीजेपी नेता टीकम चौधरी की हत्या, घर लौटते वक्त मारी गोली, हिरासत में 1 आरोपी। यूपी के बाराबंकी में फर्जी पासपोर्ट रैकेट का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद में पुलिस की शक्ति मोबाइल टीम की छापेमारी, पार्क में अश्लील हरकत पकड़े गए युवकों के खिलाफ चलाया अभियान। मैनपुरी में डीएम ऑफिस के सामने बच्चों ने की मां की पिटाई, कुछ दिन पहले प्रेमी के साथ भाग गई थी महिला। यूपी के बांदा में आबकारी विभाग का छापा, अवैध तरीके से चल रही थी शराब की फैक्ट्री, 20 लाख का माल जब्त।
मथुरा में बीएसपी विधायक श्याम सुंदर शर्मा के घर चोरी, लाखों के गहने, नकद और मोबाइल लेकर फरार। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदी की हत्या से हड़कंप, साथ रहने वाले कैदियों पर आरोप। गाजीपुर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, अवैध संबंध में लड़की के पिता ने लड़के के पिता को मारी थी गोली। कानपुर में तेज रफ्तार बस ने दो बच्चों को मारी टक्कर, लोगों ने ड्राइवर को जमकर पीटा। पंजाब के लुधियाना के प्रतिष्ठित स्कूल में हड़कंप, गेट के बाहर मिले करीब 200 जिंदा कारतूस। दिल्ली पुलिस ने एक फर्जी तांत्रिक को दबोचा, एक लड़की के यौन शोषण का आरोप। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों की गाड़ी की चपेट में आई एक महिला, अस्पताल में मौत, गांव वालों ने किया हंगामा। यूपी के फतेहपुर में जमीन पर अवैध कब्जे से परेशान होकर एक किसान ने की खुदकुशी की धमकी दी, समाजवादी पार्टी के नेता पर है आरोप। असम के कोकराझार में गर्भवती महिला से गैंगरेप, सेना के दो जवानों पर आरोप। यूपी के बलिया से सामने आई सरकारी अस्पतालों की लापरवाही की तस्वीर, इमरजेंसी वार्ड में सांप काटने का इलाज करते नजर आए तांत्रिक। यूपी के हाथरस में सरे रहा एक युवक की जमकर पिटाई, महिला की चेन छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था। मुरादाबाद में पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी की हत्या, घर से मिली लाश। नवी मुंबई के अरौली में सीसीटीवी में कैद हुई दिल दहलाने वाली वारदात, गाड़ी से टक्कर मारने के बाद एक शख्स को काफी दूर तक घिसटता रहा ड्राइवर। झारखंड के सिंहभूम से 20 किलो का सिलेंडर बम बरामद, पुलिस को शक, रोड बनने के दौरान लगाया गया बम। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दो चीनी गिरफ्तार, चंदन की लकड़ी समेत कई अन्य सामानों की तस्करी का आरोप। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक पति ने अपनी पत्नी पर डाला तेजाब, अवैध संबंधों के शक में वारदात। यूपी के नोएडा में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पुलिस की मदद से बरामद की गई चोरी की कार, दो साल पहले फरीदाबाद से चोरी हुई थी कार। नागपुर के बजाज नगर में एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी, अवैध संबंधों की वजह से पत्नी ने भांजे के साथ मिलकर रची थी साजिश। यूपी की मैनपुरी पुलिस पर गंभीर आरोप, हत्या के केस में 62 साल के बुजुर्ग समेत एक निर्दोष परिवार को भेजा जेल, धरने पर बैठी परिवार की महिलाएं। यूपी के महाराजगंज जिले में मिड डे मील का दूध पीने से 54 बच्चे बीमार, दूध में छिपकली गिरने का आरोप। धौलपुर में मोतियापुरा के स्कूल में छात्रा की मौत, स्कूल में पढ़ाई के वक्त पेट दर्द की शिकायत की, अस्पताल में दम तोड़ा। ग्वालियर में एक मंचले की सरेआम पिटाई, पुलिस चौकी के सामने लड़की ने की पिटाई, आरोपी ने की थी छेड़खानी। आगरा के सरोजनी नायडू अस्पताल में 3 नवजात बच्चों ने दम तोड़ा, बिजली गुल होने के बाद जनरेटर खराब होने से नहीं मिला इलाज। हरियाणा के यमुनानगर में 60 साल के बुजुर्ग पर 4 मासूम बच्चियों से अश्लील हरकत का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के गोंडा में 3 सगे भाइयों ने एक लड़की से किया गैंगरेप, अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। अहमदाबाद में युवती ने दोस्त के साथ मिलकर एक शख्स को पीटा, मॉडलिंग के बहाने काम दिलाने के नाम पर अश्लील हरकत के आरोप पर हुई पिटाई। पुणे में पकड़ा गया हाई प्रोफाइल चोर, आरोपी के पास से 40 लाख के गहने के साथ स्कूटी और कार भी बरामद। यूपी के बस्ती में एक महिला ने अपनी 4 बेटियों के साथ नदी में लगाई छलांग, शराबी पति के अत्याचार से तंग थी महिला। हाजीपुर में सामने आया बिहार के बाल और श्रम अधिकारियों का तुगलकी रवैया, जयपुर से छुड़ाकर लाए बच्चों से स्टेशन पर कराई मजदूरी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 15 दिनों के लिए टोल की वसूली बंद, पिछले 4 सालों से चल रहा है आंदोलन। आंध्र प्रदेश के लिए नई ट्रेन का उद्घाटन, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने रेल भवन से दिखाई हरी झंडी। हरदा में रेल ट्रैक की मरम्मत का काम पूरा, शुरू हो जाएगी ट्रेन की आवाजाही। गुजरात के वडोदरा और भरूच रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में जुड़वा बच्चियों का जन्म, अस्पताल ले जाते वक्त एक की मौत। मुंबई के नजदीक थाने में एक बंगले में घुसकर तेंदुए ने पालतू कुत्ते को बनाया शिकार, घटना के बाद से लोगों में दहशत। मध्य प्रदेश के अनूपपुर के एक गांव में हुआ घुसा तेंदुआ, 7 लोगों को घायल किया। दिल्ली के जामिया नगर में एमसीडी ने 50 आवारा कुत्तों को पकड़कर की नजबंदी, कुछ दिन पहले कुत्तों का शिकार बना था 6 साल का मासूम। दिल्ली के सिविल लाइन में पेड़ समेत 30 फीट नीचे धसी जमीन, मेट्रो के काम के दौरान हादसा हुआ। वाराणसी में उफान पर है गंगा, प्रशासन ने नाव चलाने पर लगाई है रोक, नाविकों के लिए रोजी रोटी का संकट। हरिद्वार चीला मार्ग पर कांवड़ियों के लिए मुसीबत बनी बीन नदी, पलट गई कई वाहन, बीच मझधार में फंसे कई कांवड़िए। गोंडा में उफान पर है घाघरा नदी, निचले इलाके में बसे गांवों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। पहाड़ों पर तेज बहाव बारिश की वजह से सतलुज और ब्यास नदियों में उफान, पानी में डूबे तरन तारण के 7 गांव। मध्य प्रदेश के हरदा में बारिश के बाद बाढ़ का कहर, घरों में घुसा पानी, 500 पीड़ित परिवारों को किया गया विस्थापित।
खंडवा रोड पर पुल के ऊपर बह रहा है सैलाब का पानी, प्रशासन ने लगाया चेतावनी का बोर्ड। महाराष्ट्र के लातूर में अकाल के हालात, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं किसान। मराठवाड़ा में लगातार तीसरी बार अकाल, गांव में घूम घूम कर हालात का जायजा ले रही है केंद्र सरकार की एक टीम। केंद्रीय टीम ने औरंगाबाद के अकाल प्रभावित इलाकों का दौरा किया, किसानों ने विरोध में रोका रास्ता। विदर्भ में भी कहर ढा रही है कुदरत, अच्छी बारिश न होने की वजह से परेशान है किसान। तेलंगाना में सूखे की आहट, जुलाई में सामान्य से कम हुई मानसून की बारिश। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से 3 कांवड़ियों की मौत, 7 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल। प्रशासन के आदेश के बावजूद डीजे का इस्तेमाल कर रहे हैं कांवड़िए, देखकर भी आंखें मूंद लेती है पुलिस। हादसे के बाद देवघर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे झारखंड के डीजीपी, अगले सोमवार से नहीं होगी वीआईपी पूजा। 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर एनसीआर में कई जगहों पर जबरदस्त चेकिंग, दिल्ली की सीमा पर लगा लंबा जाम। कोलकाता में मेधावी छात्रों को रूपा कंपनी ने किया सम्मानित, बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वालों को मिला रूपा जीनियस अवार्ड। स्वर्ण जयंती साल पर पर्यावरण को बचाने के लिए बीएसएफ का अभियान, देश भर में लगाए जा रहे हैं करीब 4.5 लाख पौधे। गुजरात के साबरकांठा में है बच्चों के लिए अनूठा बैंक, जमा होते हैं सिर्फ गुल्लक के पैसे, 18 साल के बच्चों का ही खुलता है अकाउंट। गोरखपुर में 12 साल की बच्ची ने जमा किया 70 देशों के करीब 700 डाक टिकट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजी तारीफ की चिट्ठी। केरल में कीचड़ में खेले जाने वाले फुटबॉल को प्रमोट करेगा पर्यटन विभाग, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को दिया जा सकता है। मैसूर में मिला अकबर के काल का 410 साल पुराना कुरान, 5 करोड़ में बेचने की कोशिश कर रहे थे 10 तस्कर।